मशरूम ऐसा वेजिटेबल है जो इटालियन मैक्सिकन फूड्स में यूज होता है। मशरूम्स पिज्जा पास्ता सलाद में यूज होता है डिलिशियस टेस्ट देने के लिए। पर मशरूम्स कई वेराइटीज में आते हैं जिसमें से कुछ खाने जैसे होते हैं और कुछ पॉइजनस होते हैं। मशरूम्स कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो नहीं होते हैं, अलग अलग प्लेस पे ग्रो होते हैं जैसे ट्री लॉग्स फॉरेस्ट या फिर मॉस पे। सब मशरूम्स देखने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, तो इसमें से कौन से एडिबल है और कौन से पॉइजनस है वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एडिबल मशरूम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मशरूम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें उसके तरीके देखेंगे। मशरूम्स में व्हाइट गिल्स हो तो वो मशरूम ना ले। जिस मशरूम के गिल्स ब्राउन या टैन हो ऐसे मशरूम्स ले। मशरूम सिलेक्ट करते वक्त देखें कि उसकी कैप रेड कलर की ना हो, क्योंकि रेड मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। मशरूम के कैप का कलर ब्राउन या टैन हो तो ही वो खाने के लिए सेफ होते हैं। मशरूम के कैप पे स्केली स्पॉट्स या पैचेस ना हो वो भी देख ले लेते वक्त, क्योंकि ये स्केली स्पॉट्स पैचेस पॉइजनस मशरूम्स में कॉमन होता है। मशरूम कैप के नीचे स्टेम भी चेक करें। अगर उसमें टिश्यू के रिंग्स हैं, तो ऐसे मशरूम्स ना ले, क्योंकि ये मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। अगर आप मशरूम के बारे में श्योर नहीं है कि कौन से एडिबल हैं और कौन से पॉइजनस हैं, तो किसी को पूछ ले जो एक्सपीरियंस्ड हो मशरूम आइडेंटिफाई करने में। तो ये थी मशरूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एडिबल मशरूम कैसे आइडेंटिफाई करें उसके टिप्स। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।